अस्सलामुअलैकुम। आज के मॉर्निंग आउटलुक को डिस्कस कर लेते हैं। हमने पिछले दो सेशंस में देखा है कि मार्केट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हुई है, एंड तकरीबन अप्रॉक्स हमें कल भी एक पॉजिटिव सेशन देखने को मिला और परसों भी हमें एक पॉजिटिव सेशन देखने को मिला। जो मार्केट के लिए क्रिटिकल लेवल इस वक्त मौजूद है वो तकरीबन 41,600 का लेवल है। कल मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुई थी, बट वी डिड सी के मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज भी वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट का जो सेशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, बट वी हैव टू सी कि यहाँ पे मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम है क्या वो ब्रेकआउट लेता है, और अगर वो ब्रेकआउट लेता है तो वी कैन सी द 42,000 लेवल अगेन। जिन स्टॉक्स में एंटिसिपेशन हो रही है वो मोस्टली वही स्टॉक्स हैं जिनकी बायबैक की और बोनसेस की स्टोरी है। वी हैव सीन के हमें पिछले तीन दिनों के अंदर मतलब हंड्रेड्स की तादाद में वी हैव सीन नोटिसेस कि कंपनीज अपने ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रही हैं फॉर द बोनस इशू। एक्सपेक्टेड यही लग रहा है मार्केट के प्लेयर्स को कि बोनसेस आ सकते हैं, ताकि जो टैक्सेशन मेजर्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि शायद वो बजट में आए, उससे कंपनीज अपने आप को बचा सकें। इसके अलावा जो स्टॉक्स नीचे लग रहे हैं, स्पेशली सीमेंट्स में जो है वो हमें एक स्टोरी नज़र आती है, बिकॉज रिचर्ड बे काफ़ी अरसे के बाद हमें $100 के नीचे नज़र आए, 99 पे ट्रेड करें, तो वी कैन सी के सीमेंट्स में मज़ीद जो है वो पॉजिटिविटी नज़र आएगी, जिसमें ऑब्वियसली फौजी सीमेंट, मेपल लीफ आर टॉप पिक्स। इसके अलावा वो स्टॉक्स जो कि अभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं उनमें भी हम अच्छी एंटिसिपेशन देख सकते हैं, जिनमें बैंक्स हैं, ENP है, PPL, OGDC में जो है वो एक हम अच्छी एंटिसिपेशन देख सकते हैं। बाकी जितने भी वैल्यू स्टॉक्स हैं एंड जिन कंपनीज से एक्सपेक्टेड है कि बोनसेस आ सकते हैं, उनमें जो है वो हम पॉजिटिविटी देखेंगे। IMF के हवाले से जो न्यूज़ ये आई थी कि कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली MD IMF को इंगेज किया था कि वो इसमें इंटरवेंशन करें एंड खुद जो है वो इसमें हेल्प आउट करें पाकिस्तान को। इस हवाले से वी कैन सी अ पॉजिटिव स्टेटमेंट विद इन फ्यू डेज, बिकॉज IMF की जो दो डिमांड्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। पहली डिमांड तो उनकी ये है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उस हवाले से IMF जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जून 2023 तक जो है वो अच्छी मतलब जो एक 10 बिलियन का फिगर था वहाँ तक पहुँचे, बट अभी तक वहाँ तक पाकिस्तान ने कोई भी अश्योरिटी जो है प्रॉपर्ली IMF को प्रोवाइड नहीं की। इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट है उस हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान IMF को सेटिस्फाई नहीं कर सका। तो ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से IMF का डिले हो रहा है। गवर्नमेंट कोशिश ये करेगी कि बजट प्रपोजल्स जो है वो IMF के साथ शेयर करे, ताकि मोस्ट लाइकली बजट के बाद वी कैन सी कि IMF का SLA एग्रीमेंट हो जाता है। वंस वो एग्रीमेंट होगा तो वी विल सी के मार्केट जो है एक मज़ीद एक बुलिश ट्रेंड ले लेगी। थैंक यू वेरी मच।